Hello students, today we will start our first chapter, that is animal classification. जितना plants हमारे लिए इतना important होते हैं, animals भी हमारे लिए उतने ही important होते हैं. Animals हमारे लिए कैसे important होते हैं? Milk होता है, ये हमें किससे मिलता है? Animals से मिलता है, cow, buffalo. Fur होती है, wool, jacket, ये सब हमें किससे मिलता है? Sheep से. Okay. अब आजकल हम डॉग्स को भी क्या है, अपने लोनलीनेस को दूर करने के लिए, या फिर जो ओल्ड पीपल्स होते हैं जो अकेले रहते हैं अपने घर में, अपनी सिक्योरिटी के लिए किसको रखते हैं अपने साथ? डॉग्स को रखते हैं. ओके अब हमारे पास क्या होता है, जैसे प्लांट्स की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, एनिमल्स की हमारे पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती है. दे डिफर फ्राम ईच अदर बाई देयर बॉडी कवरिंग्स, बाई देयर बॉडी टेम्परेचर, बाई आवर्स ऑफ एक्टिविटी एंड बाई देयर इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर. अब हर एक जो एनिमल होता है उसकी बॉडी कवरिंग क्या होती है, जो बॉडी कवर कर मतलब उसको जो बॉडी का अपर पार्ट होता है वो क्या होता है, अलग होता है. लॉयन है, उसका अपर पार्ट क्या होता है, बॉडी का अलग होता है. डॉग का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऊपर का बॉडी का जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, अलग होती है. काऊ की क्या होती है, अलग होती है. अब अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर भी क्या होता है, हर एक एनिमल एक दूसरे से अलग होता है. ठीक है, फिश का बॉडी टेम्परेचर अलग होता है, ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर अलग होता है. ठीक है, अब क्या होता है, आवर्स ऑफ एक्टिविटी की वजह से भी जो होते हैं एनिमल्स एक दूसरे से डिफर करते हैं. अब आउल जो होता है वो क्या होता है, रात के टाइम एक्टिव होता है और दिन में वो एक्टिव नहीं होता है. बर्ड्स क्या होते हैं, दिन के टाइम एक्टिव होते हैं, रात को एक्टिव नहीं होते. तो ये इनकी एक्टिविटी आवर्स पर भी डिपेंड करता है, इनका एनिमल्स की वेराइटी. दूसरा क्या, इनके जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है उससे भी एक दूसरे से ये डिफर करते हैं, ग्रेट वेराइटी ऑफ एनिमल्स. तो हमारे पास क्या है, बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स होते हैं, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन अ डिफरेंट वे. ओके ना, ओपन योर बुक, ओपन द पेज नंबर 1. यहाँ पर क्या है, आपको बहुत सारे एनिमल्स दिए हुए हैं, जिराफ, जेब्रा, हिपोपोटामस, एलिफेंट्स. ओके, देयर आर सो मैनी एनिमल्स हेयर, दे आर ड्रिंकिंग वाटर एंड एन्जॉइंग द सनलाइट अनलाइक दिस हिपोपोटामसिस. यहाँ पर क्या है, आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे, ये एनिमल्स क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सनलाइट धूप सेक रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं सनलाइट को, सिर्फ एक हिप्पोपोटामस को छोड़ के. हिप्पोपोटामस कहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके पानी में बैठे हुए हैं. लुक एट, अब ये लड़की क्या कहती है जो यहाँ पर बैठी हुई है, लुक एट दोज हिप्पोपोटामसिस, वाई आर दे नॉट गेटिंग आउट ऑफ द रिवर. इन हिप्पोपोटामस को देखो, ये रिवर से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं. ठीक है, अब ये जो बॉय है ये क्या कहता है, इट इज़ बिकॉज एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी टेम्परेचर, हिप्पोपोटामसिस रिमेन कूल बाय स्टेइंग इन वाटर और मड. क्योंकि हर एक एनिमल का, ये मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि क्या होता है, एनिमल्स एक दूसरे से डिफर करते हैं बाय देयर बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, हिप्पोपोटामस जो होता है वो भी डिफर करते हैं इसी चीज़ की वजह से. वो क्या होते हैं, पानी में या मड में रहकर अपनी बॉडी को क्या रखते हैं, ठंडा रखते हैं, कूल रखते हैं. ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, पानी में रहना प्रेफर करते हैं. ठीक है, नाउ रीड द फर्स्ट लाइन, देयर इज अ ग्रेट वेराइटी ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, दे डिफर नॉट ओनली देयर बॉडी कवरिंग्स बट ऑल्सो इन देयर बॉडी टेम्परेचर, आवर्स ऑफ एक्टिविटी एंड इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर. सो एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हमारे पास क्या है, बहुत सारी वैरायटी है एनिमल्स की अर्थ पे. अब ये क्या होते हैं, दूसरे से डिफर करते हैं बाय देयर बॉडी कवरिंग्स, बाय द बॉडी टेम्परेचर, आवर्स ऑफ एक्टिविटी एंड द इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर. इन्हीं के बेसिस पे हम एनिमल्स को क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर. ओके, बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पे कैसे करेंगे, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर बॉडी टेम्परेचर. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज कोल्ड ब्लडेड और एक्टोथर्म्स. ओके, सेकेंड इज वार्म ब्लडेड
और एंडोथर्म्स, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड और एक्टोथर्म्स का मतलब क्या होता है? जो आपके बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर अडेप्ट करते हैं, ठीक है। एक्टो मीन्स क्या होता है? एक्सटर्नल, और थर्म मीन्स क्या होता है? हीट, ओके। तो जो भी एनिमल्स अपने बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को सेट करता है, वही हमारे क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड इज वार्म ब्लडेड और द एंडोथर्म्स। एंडो मीन्स इंटरनल एंड थर्म्स मीन्स सेम, हीट। जो एनिमल्स अब उनके मतलब बाहर के एनवायरनमेंट का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उनका अपना बॉडी का फिक्स टेम्परेचर होता है, उसी को वो क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोल्ड ब्लडेड और एक्टोथर्म्स में आपके क्या आते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स जैसे आपके क्रोकोडाइल है, फिश है, ठीक है, फ्रॉग, स्नेक, ये सब आपके किस में आएंगे? आपके कोल्ड ब्लडेड और एक्टोथर्म्स में आएंगे, ओके। अब वार्म ब्लडेड है, इसमें आपके क्या आते हैं? लॉयन होते हैं, जैसे वो आपके वार्म ब्लडेड में होते हैं। ह्यूमन बींग्स हैं, बियर, डियर, इन शॉर्ट वी कैन से मैमल्स एंड बर्ड्स आर इन द कैटेगरी ऑफ वार्म ब्लडेड और द एंडोथर्म्स, ओके। नाउ कम टू द बुक। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और एक्टोथर्म्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसके। फर्स्ट इज स्नेक, क्रोकोडाइल, फ्रॉग एंड द फिश, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ब्लडेड और एक्टोथर्म्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, एक्टो मीन्स एक्सटर्नल एंड थर्म मीन्स हीट। इसका मतलब जो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन करते हैं, वही आपके क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ओके। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एनिमल्स दैट नीड एक्सटर्नल एनर्जी टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर आर कोल्ड ब्लडेड और एक्टोथर्म्स। दे टेक एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। ये क्या करते हैं? अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बाहर से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड्स, चैमिलियन। चैमिलियन क्या होते हैं? एक टाइप के लिजर्ड्स ही होते हैं, जो ओल्ड लिजर्ड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? चैमिलियन बोलते हैं, ठीक है। स्नेक्स, ओके, ये सब हमारे क्या होते हैं? लिजर्ड्स, चैमिलियन, स्नेक्स, ये सब क्या हैं? रेप्टाइल्स हैं। एंड फ्रॉग्स एंड सेलेमेंडर्स। सेलेमेंडर्स आपको पीछे पेज पे 10 नंबर पेज पे सबसे नीचे दिया हुआ है। दिस इज द सेलेमेंडर, ठीक है। ये आपका क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एम्फीबियंस। दिस फ्रॉग्स एंड सेलेमेंडर्स आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। आर सम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। These animals do not have fixed body temperature. Their body temperature corresponds to that of their surrounding. ठीक है, अब ये जो cold blooded animals होते हैं, इनका body का जो temperature होता है वो fixed नहीं होता है। यही मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये बाहर के temperature के according अपने body के temperature को क्या करते हैं? Maintain करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कई बार जो crocodiles होते हैं, वो ऐसा तो हमेशा नहीं होता कि पानी में ही रहते, पानी के बाहर भी आके रहते हैं। जब वो पानी में रहते हैं, बहुत टाइम हो जाता है उन्हें पानी में रहते हुए, तो क्या होता है? उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होने लगता है तो वो क्या करते हैं? बाहर सनलाइट में आ जाते हैं, ठीक है, जिससे उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे? मेंटेन रहे, ओके। देयर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज ड्यूरिंग विंटर। इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो विंटर में कम हो जाता है व्हेन इट इज़ कोल्ड, एंड इंक्रीजेज ड्यूरिंग समर्स व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेज। और इनकी बॉडी का टेम्परेचर समर्स में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि समर्स में टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ओके। अब यहाँ पे स्नेक को देखो। स्नेक भी आपका क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। स्नेक बास्किंग एट द माउथ ऑफ ए बरो ड्यूरिंग द विंटर। विंटर्स में क्या होता है? कभी भी आप देखना, जो एनिमल्स होते हैं, जो स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स होती हैं, ये सब क्या होते हैं? विंटर्स में आपको कहीं भी बहुत ही रेयरली आपको दिखाई देते हैं, एल्स ये समर में ही एक्टिव होते हैं। क्योंकि समर में क्या होता है? इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इनको भी गर्मी लगती है अंदर, तो ये क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो स्नेक बास्किंग एट द माउथ अ बरो ड्यूरिंग विंटर,
विंटर्स में क्या कर रहा है, ये अपने माउथ को बरों से बाहर निकाले हुए। स्नेक एक्टिव ड्यूरिंग समर। ओके, आपके घरों में भी जैसे लिजर्ड्स होती है, ठीक है, तो जो लिजर्ड्स होती हैं वो कभी भी आपको विंटर्स में, मतलब बहुत ही कम, कभी किसी दिन टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो आपको दिखाई दे जाती हैं, अदरवाइज विंटर्स में आपको कभी भी लिजर्ड्स दिखाई नहीं देते। लेकिन समर्स में क्या हो जाते हैं, सारे के सारे एनिमल्स क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैन कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर इंटरनली एंड आर नोन एज एंडोथर्म्स। एंडो क्या बताया था मैंने अभी आपको, इंटरनल, और थर्म मीन्स हीट, ठीक है। ये अपने बॉडी का जो टेम्परेचर होते हैं इंटरनली, अंदर ही मेंटेन करते, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनका, इनके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उस पर सराउंडिंग्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, दीज एनिमल्स हैव ए फिक्स बॉडी टेम्परेचर दैट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, वो कभी भी, दैट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। वो एटमोसफेयर का टेम्परेचर चेंज होने से कभी भी चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल्स क्या हैं, ह्यूमन्स, लॉयंस, बियर्स, डियर्स एंड बर्ड्स। अब ये ह्यूमन, लॉयन, बियर, डियर, ये सब क्या है, हमारे मैमल्स। मैमल्स कौन से होते हैं, जिनकी बॉडी पे क्या होता है, हेयर्स होते हैं, फर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैमल्स। तो जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं आर सम वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 16, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज एनिमल्स कैन कंट्रोल इट्स बॉडी टेम्परेचर इंटरनली, ब्लू व्हेल, ह्यूमन, लॉयन, ऑल ऑफ दीज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको आज के लिए अटेम्प्ट करना है, ये हम कल डिस्कस करेंगे इसका आंसर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।